मॉर्निंग जपा सेशन में आने वाले सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का श्रील प्रभुपाद जी का कोट है 1974 रोम। डोंट बी आफ्टर दीज मोटर कार्स टेलीविजन एंड ऑल नॉनसेंस थिंग्स स्पोर्टिंग वाइन वुमन। डोंट बी आफ्टर दीज सिंपली ईट सफिशियंटली Keep your health nicely, chant Hare Krishna, realize Krishna and go back to home. This is our philosophy. इसका हिंदी में अनुवाद है, इन मोटर कारों, टीवी और अन्य व्यर्थ की वस्तुओं जैसे खेल कूद, शराब, स्त्री आदि के पीछे मत भागो, इनके पीछे मत भागो, अच्छी तरह खाओ पियो, अच्छा स्वास्थ्य रखो, हरे कृष्ण का कीर्तन करो, श्री कृष्ण का साक्षात्कार करो और भगवत धाम लौट जाओ, यही हमारा दर्शन है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा प्रभु जी, दान प्रणाम। हरे कृष्णा, निर्मल प्रणाम। तो इस छोटी सी स्टेटमेंट में श्री प्रभुपाद हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए बता रहे हैं। तथा हमारे जीवन का लक्ष्य भगवान के धाम वापस जाना है और उसके लिए हम सिंपल लाइफ व्यतीत करें, सिंपल भोजन ग्रहण करें, प्रसाद ग्रहण करें, भगवान का नाम लें और वहां जाएं। और व्यर्थ के जो उपकरण आज हमें अवेलेबल हैं, रूपाज जी मेंशन करते हैं, मोटर कार, टेलीविजन, वाइन, विमेन एटसेट्रा एटसेट्रा, इनके पीछे नहीं भागना चाहिए। एक अमेरिकन कहावत है, वी आर बीइंग कॉन्स्टेंटली बम्बार्डेड दीज डेज बाय द वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रैक्शन। नए नए आविष्कार प्रतिदिन आ रहे हैं जो हमें लुभाते हैं और हमें भौतिक जीवन में फंसाते रहते हैं। रूपाज जी की जो टीचिंग्स हैं आज बता रहे हैं वो बिल्कुल वही है जो प्रहलाद महाराज ने हमें टीचिंग्स दी है। आज नरसिंह चतुर्दशी का दिवस है, अपने भक्त प्रहलाद को ग्लोरीफाई करने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए नरसिंह महाराज प्रकट हुए। तो यदि उनके जीवन से देखें, हिरण्यकश्यपु और प्रहलाद, हिरण्यकश्यपु रिप्रेजेंट करते हैं पहली दो तीन लाइनें जो प्रभुपाद जी ने कही है, भौतिक उपलब्धियों के पीछे हिरण्यकश्यपु बहुत बड़ी तपस्या करके उसने सारे देवताओं के अपने अंडर कर लिया, उनका राज्य, उनके सुख उनके थे, सारी योगिक सिद्धियां प्राप्त कर ली और यहां तक कि उसने ऐसा अपने हिसाब से भी कर लिया कि उसे कोई मार नहीं सकता, ऐसे वरदान उन्हें ब्रह्मा जी से मांगे। लेकिन क्या वो शांत रहा? There is always a pin prick in material life. और हिरण्यकश्यपु का पिन प्रिक था उसका अपना बेटा प्रहलाद। हिरण्यकश्यपु अपने आप को भगवान मानता था लेकिन प्रहलाद जानते थे कि भगवान कौन है, इसलिए उन दोनों के बीच में संघर्ष चला। प्रहलाद सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, गो बैक टू गॉडहेड प्रिंसिपल पर चल रहे। प्रहलाद महाराज की स्थिति में जाननी चाहिए क्योंकि उनकी शिक्षाएं जो प्रभुपाद जी ने सेकंड पार्ट में कहा है वही शिक्षाएं हैं। प्रहलाद महाराज नारद मुनि के शिष्य हैं। नारद एक महान आचार्य हैं, देव ऋषि हैं और उनके अनेकों शिष्य हैं जिनमें नारद, जिनमें प्रहलाद, ध्रुव, छोटे छोटे बच्चे दो बड़े प्रसिद्ध हैं। छोटे बच्चे होते हुए भी इन्होंने कितना कुछ अचीव किया। प्रहलाद महाराज एक महाजन है, 12 महाजनों में से एक है और इनके कुल में 2 महाजन हुए हैं, प्रहलाद महाराज और इनके पौत्र बलि महाराज। महाजनों ये गथा सपन था। महाजन वो महाभागवत
भक्त हैं जिनका हमें अनुसरण करना चाहिए, इनकी बातों को हमें मानना चाहिए, इनके जीवन को हमें फॉलो करना चाहिए। प्रहलाद के कुल में चार अवतार भगवान ने लिए, वराह अवतार उनके चाचा को मारने के लिए, हिरण्याक्ष को मारने के लिए, नृसिंह अवतार उनके पिता हिरण्याकश्यप का वध करने के लिए, वामन अवतार उनके पौत्र बलि से राज्य लेकर इंद्र को देने के लिए, और समुद्र मंथन के समय मोहिनी अवतार। प्रहलाद की स्थिति बड़ी विशिष्ट है, उन्होंने हमें नवदा भक्ति दी है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु सुमरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सत्यवाद निवेदन। और इस नवदा भक्ति के 9 आचार हैं अलग अलग, श्रवण के आचार हैं परीक्षित महाराज, कीर्तन के सुखदेव महाराज, और स्मरण के स्वयं प्रहलाद महाराज, पाद सेवनम लक्ष्मी जी, अर्चनम पृथु महाराज, वंदनम अक्रूर जी, दास्यम हनुमान जी, सख्यम अर्जुन, और आत्मनिवेदन फिर बलि महाराज के पौत्र इसनी के कुल के बलि महाराज, प्रहलाद महाराज के कुल के। तो एक कुल में दो ये नौ जो भक्ति के साधन, इनके दो आचार्य इसी कुल में है। इतने बड़े भक्त प्रहलाद महाराज, इनकी शिक्षाएं क्या है, इनका इनके गुण क्या है, इनके अनेकों अनंत गुण है, लेकिन इनका विशेष दो चार की बात करते हैं। तो ये इनका पूरा विश्वास था कि अवश्य रक्षिबे कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण हमारी हर परिस्थिति में रक्षा करेंगे, और ये उनके जीवन से हमें पता लगता है कि किस प्रकार उनके पिता ने, उन्हें भगवान नहीं मानते थे इसलिए उन्हें मारने के लिए पता नहीं क्या क्या जो भी उनकी इमेजिनेटिव इंटेलिजेंस थी, कितने उन्होंने उपाय किए, उन्हें नहीं मार सके। दूसरा, उनका विश्वास था कि भगवान हर जगह है। हिरण्यकश्यप ने पूछा कि क्या भगवान खंभे में भी है, प्रहलाद ने कहा हाँ भगवान खंभे में भी है, खंभे से प्रकट हुए। और तीसरा, वो सर्वभूत हिते रतः, वो सब का हित चाहते थे। वाज़ द ग्रेटेस्ट प्रीचर, उन्हें भगवान ने वैकुंठ ले जाना चाहा, उन्होंने नहीं मैं यही रहूंगा जब तक एक भी व्यक्ति, एक भी असुर या साधारण व्यक्ति जो कृष्ण कॉन्शियस नहीं है उसकी मैं हेल्प कर सकता हूँ तो मैं यही रहूंगा। और उन्होंने कोई भी भौतिक लाभ स्वीकार नहीं किया। जब हिरण्यकश्यप ने उन्हें कहा कि तुम मुझसे कोई वरदान मांग लो, तो प्रहलाद महाराज ने कहा कि भगवान मेरी नसों में पहले ही असुर खून बह रहा है, मैं तो पहले ही बड़ा लालची हूं, इस प्रकार का प्रलोभन मुझे मत दीजिए, ये प्रलोभन मेरे लिए विपत्ति है। जो मेरे ऊपर विपत्तियां आई वो विपत्तियां नहीं थी, उन्होंने मुझे आपका याद दिलाया, लेकिन यदि अब मैं आपसे कुछ मांगूंगा तो भौतिक उपलब्धि में फंस जाऊंगा, आपको भूल जाऊंगा, और दूसरा मैं कोई बिजनेसमैन नहीं, वणिक नहीं हूं, क्या कुछ सेवा की मैंने उसके बदले में कुछ आपसे मांगू, मुझे कोई भौतिक उपलब्धि नहीं चाहिए। प्रहलाद ने कहा कि मेरी प्रसन्नता के लिए कुछ मांग लो, तो उन्होंने फिर अपने पिता जिन्होंने उनके ऊपर इतना अत्याचार किया था, उनके भी वो शुभ चिंतक थे, उन्होंने कहा कि उनका उद्धार कर। सिंह भगवान ने कहा कि तुम्हें उनकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हारे कुल की 21 पीढ़ियों का उद्धार हो गया, उनका पहले ही उद्धार हो चुका। तो एक कुल में यदि एक भी भक्त हो जाए, इतना बड़ा लाभ उनके पेरेंट्स को, ग्रैंड पेरेंट्स को, पितरों को मिलता है, तो हमें कन्विंस होना चाहिए कि भक्ति ही जीवन का सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। और प्रहलाद महाराज की जो शिक्षाएं हैं, अनेकों शिक्षाएं हैं उनकी, तो के ऊपर मुख्यतः बताते हैं कि जो आज के इससे रिलेट करती है हमारे प्रभुपाद जी के कोट से,
राजमार कहते हैं सुखम ऐन्द्रिकम देत्या देह योग निधि नाम सर्वत्र लभ्यते देवा ते तो दुखम है। अपने असुरों को, अपने बाल, अपने साथियों को, वह असुर बालकों को शिक्षाएं दे रहे हैं कि जीवन में जो सुख मिलता है वो उसके लिए हमें ज्यादा उसके पीछे भागने की जरूरत नहीं है, हमारे भाग्य में होगा अपने आप मिल जाएगा। जिस प्रकार दुख, दुख को कोई नहीं चाहता लेकिन वो दुख अपने आप आ जाता है, इस प्रकार हमारे जीवन में जो सुख होगा वो भी आ जाएगा। इसके पीछे भागने के बजाय हमें क्या करना चाहिए, कौमार आचरित प्राज्ञा धर्मान भागवता नहीं दुर्लभो मानुषो जन्मो अध्रुवम तथपि अर्थदा। तो हमें कुमार अवस्था से मतलब जितना जल्दी हो सके जब आंख खुले वही सवेरा है। कौमार आचरित प्राज्ञा, बुद्धिमान व्यक्ति जो है वो छोटी अवस्था से ही कौमार आचरित प्राज्ञा धर्मान भागवता नहीं इस भागवत धर्म का पालन करते हैं। जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं यू शुड लीव ए सिंपल लाइफ चैंट हरे कृष्णा एंड गो बैक होम बैक टू गॉडहेड, दिस शुड बी अवर प्रोग्राम। ही प्रहलाद महाराज कहते हैं कौमार आचरित प्राज्ञा धर्मान भागवता नहीं दुर्लभ हो मानुष हो जन्म, क्योंकि मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है अध्रुव और फिर ये बड़ा क्षणभंगुर है, लेकिन तदभी अर्थदम लेकिन है बहुत बड़े काम का है। ये हम बार बार सुनते हैं, सभी शास्त्री बताते हैं, सभी महात्मा ये बताते हैं, भगवान ही बताते हैं मनुष्य नाम सहस्रेशु कश्चित सिद्धे यत्ताम अपि सिद्धा नाम कश्चित माम व्यक्ति ब्रह्मांड भर मिते कौन भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीच। ये जो मनुष्य जन्म दुर्लभ जिसे कहा गया है वो हमारे पास इस समय है। तो आज नरसिंह चतुर्दशी के दिवस पर प्रहलाद महाराज को, श्री भगवान को, उनकी लीलाओं को याद करते हुए हम ये निश्चय करें कि हमारे जीवन का लक्ष्य भगवान के धाम जाना है, हमारे जीवन का लक्ष्य भौतिक उपलब्धियों को प्राप्त करना नहीं। जैसा प्रभुपाद जी बताते हैं कि कार, टेलीविजन, स्पोर्ट्स, वाइन, विमेन ये सब फालतू की चीजें हैं, ये हमें यही रखती हैं, इम्प्लीकेट करती हैं, बंध में डालती हैं। उसके विपरीत जैसे प्रहलाद महाराज भी कहते हैं कि हमें कौमार आचरित जितना जल्दी हो सके भगवान की भक्ति करनी चाहिए। और हमारे आजकल के युग के लिए, हम सबके लिए प्रभुपाद जी ने बड़ी सरल बात हमें बताइए करने के लिए जिससे भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। हर बार हमको बताते हैं, सुनते हैं आप, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इस महामंत्र की 16 माला का जप करें, चार नियमों का पालन करें, चार पाप के कार्यों से हमें बचाते हैं जो पहले पार्ट ऑफ दिस कोर्ट में है, उनकी तरफ हमें आकर्षित करते हैं। भक्तों का संग करें, भक्तों का जीवन चरितार्थ पढ़ें, प्रहलाद ध्रुव आदि का जिससे हमें प्रेरणा मिलती है, और एक सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग प्रिंसिपल पे जीवन व्यतीत करते हुए हम अपने लिए भगवत धाम का मार्ग प्रशस्त करें, ये प्रभुपाद जी हमें गारंटी देते हैं। तो इसका हम पालन करें, निश्चित रूप से हम भगवान के धाम जा सके। हरे कृष्ण, धन्यवाद, थैंक यू। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच प्रभु जी, अपने प्रहलाद महाराज की शिक्षाओं के द्वारा बहुत सुंदर मैसेज दिया कि हमें भौतिक आकर्षण से बचकर भक्ति में लगना चाहिए, और भक्ति करके हम इसी जीवन में भगवान के धाम जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी, हरे कृष्णा।